आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक शॉप पे मौजूद हैं। इन चंद प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं। जी लाहौर जाएंगे तो मियाँ सॉरी ये ख़राब तो नहीं होता या मतलब जिसे कहते हैं नमी आ जाना, वो जो एक बड़ा जो है एक कॉमन ब्रांड नज़र आ रहा है खलीफा, खुद भी पसंद है, हमारे घर वालों को भी बहुत पसंद है कि यासीनाबाद और क्लिफ्टन में भी ब्रांच है। इट मीन्स टोटल 4 ब्रांचेज हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ओएस मलिक, वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक शॉप पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके मुल्तान तक और मुल्तान से लेके कराची तक की जितनी भी सौगात हैं वो आपको अब इजीली आपके अपने शहर कराची में मिल जाएंगी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जमशेद रोड पे, जमशेद रोड पे बेनोरिया मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट जो है इनकी शॉप है और यहाँ पे जो है जितनी भी सौगात हैं लाहौर की, खलीफा की नान खटाई, तहजीब बेकरी के केक रस और मुल्तान का सोहन हलवा, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या सौगात इनके पास मौजूद है और क्या प्राइस डिफरेंस है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो यहाँ बैठे बैठे उनको लाहौर की क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि जी लाहौर जाएंगे तो मियाँ ओ सॉरी अगर लाहौर जाएंगे तो खलीफा की नान खटाई खाएंगे या कोई लाहौर जाएगा तो उससे मंगवाएंगे। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि कराची में एक जगह नहीं दो जगह पे इनकी ब्रांचेस है, एक नूरानी कबाब के बिल्कुल ऑपोजिट तारिक रोड की PCHS तारिक रोड की तरफ और सेकंड बेनोरिया मस्जिद के पास। ये कहते हैं हर दो दिन के बाद इनका जो स्टॉक है वो वहाँ से बिल्कुल फ्रेश आता है, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें फ्रेश चीज़ जो है वो दूसरे शहरों की अब कराची में ईजिली मिल जाएगी। तो भाई ये जो हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस शॉप के, तो इनसे हम मालूमात लेते हैं कि क्या क्या इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई, खैरियत का शुक्र। क्या नाम है आपका? उमर फारूक जी। अच्छा उमर फारूक भाई, मुझे ये बताएं कि कराची में रहते हुए पाकिस्तान की किन किन सौगात को आपने हमारे लिए यहाँ पे जमा कर रखा है? हमने खलीफा से, लाहौर से, मुल्तान से, पंजाब, सारा आइटम हमारे पास। खलीफा से क्या मुराद? खलीफा है नान कटी बादाम। अच्छा, लाहौर से ना? जी लाहौर से। मियां खलीफा से तो नहीं? नहीं मियां खलीफा से नहीं, लाहौर से। अच्छा जी। जिसकी नान कटी एक बादाम वाली एक बगैर बादाम वाली। ठीक है जी भाई जान। अच्छा ये बताएं जो इतनी दूर से आप ये चीजें मंगवा रहे हैं उसी रेट्स में दे रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत फर्क है? थोड़ा डिफरेंट है भाई जान। चले आप वो मेहनत करते हैं तो आपका हक है। अच्छा आपकी जो दुकान है, एक तो हमने देखा बेनोरिया मस्जिद के सामने और दूसरी जमशेद रोड पर। जी जमशेद रोड। अच्छा तो कोई भी किसी को भी ऑर्डर करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल तहजीब बेकरी के बहुत सारे आइटम्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, अगर किसी को वो ऑर्डर करने हो तो क्या आप ऑर्डर पे भी मंगवा देते हैं? मंगाते ऑर्डर पर। और कराची में आपकी डिलीवरी सर्विस? जी ओम भाई के थ्रू होगी डिलीवरी, जो चार्जिंग वो आप अदा करेंगे हमें। ठीक है, कराची से बाहर तो भेज नहीं सकते क्योंकि कराची से बाहर से चीजें। वैसे तो इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रही है लेकिन चंद प्रोडक्ट्स जो है वो हम आपको भी दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या फ्लेवर्स और कितनी क्वांटिटी में इनके पास अवेलेबिलिटी है। अच्छा उमर फारूक भाई आप हमें दिखाएं कि आपके पास क्या है। इसके ये बादाम। अच्छा ये भाई तहजीब का जो है क्या चीज है? ये बादाम वाला बिस्किट तहजीब का है। एक पिस्ताशो भी है, अखरोट है। अच्छा और चॉकलेट मुख्तलिफ फ्लेवर है हमारे पास। अच्छा मतलब तीन चार फ्लेवर जो है वो तीन चार फ्लेवर है बेकरी के जो है वो मौजूद है। अच्छा मुल्तान के हलवे, मुल्तान का हलवा है, कौन सा है? रेवाड़ी। अच्छा भाई रेवाड़ी हलवा, इसमें एक बादाम वाला है और एक अखरोट वाला है हमारे पास। अखरोट वाला और अच्छा ये जो तहजीब का एलिमेंट बिस्किट्स है इसकी क्या कॉस्ट है? ये जो 1350 रुपए का आधा किलो भैया। अच्छा और ये जो रेवाड़ी का हलवा है ये 1500 भैया। अच्छा 1500 रुपए। अच्छा मुझे एक बड़ा जो है एक कॉमन ब्रांड नजर आ रहा है खलीफा, खुद भी पसंद है, हमारे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो खैर तो ये इस कितने केजी का बॉक्स है? हाफ केजी का बॉक्स है, 850 का भैया। 850 का। तो इसमें कितने फ्लेवर है? इसके एक फ्लेवर एक बादाम वाला है और एक बगैर बादाम, मतलब दो फ्लेवर है, बादाम वाले और एक विदाउट एलमंड। और ये कुछ और मुझे मिठाई मिठास नजर आ रही है, बंधु खान के मिक्स बिस्किट है। अच्छा 1600 रुपए किलो है, इसके अंदर एक आधा किलो वाले 800 रुपए के भैया। 800। तो ये कहाँ से, कौन से शहर? लाहौर से आ रहा है जी, पंजाब दुकान वालों के बिस्किट, ये भी मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि चंद प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखाई, अब इनके पास इतनी वैरायटी है कि सारे दिखाते दिखाते हमें बहुत टाइम भी लग जाए। अच्छा उमर फारूक भाई हमारे व्यूअर्स को एक और बात ये बताएं कि ये जो आपने माशाल्लाह इतना स्टॉक रखा हुआ है एक दिन में तो बिकता नहीं है जी भैया, तो ये खराब तो नहीं होता या मतलब जिसे कहते हैं नमी आ जाना, वो चीजें तो नहीं होती? और कितने टाइम बाद आप लोग जो है ये वहाँ से मंगवाते हैं?
दो तीन दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम सही है, दो तीन दिन बाद में हमारा माल खत्म हो जाता अच्छा, है माशाल्लाह। जी कलेफ्टन में भी एक दुकान है कि यासीनाबाद में। अच्छा जी हाँ, ये तो खत्म हो जाता गाइस। एक और चीज के इनकी यासीनाबाद और क्लिफ्टन में भी ब्रांच है, इट मींस टोटल चार ब्रांचेस हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपका कहने का ये खराब होने से पहले सेल हो जाता है और उससे पहले जो है नया स्टॉक भी आया। खलीफा बेकर्स के नाम से इनकी शॉप मशहूर है, बेनोरिया टाउन मस्जिद के सामने। तो आप लोग आए और अपने पसंद की चीजें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सब्सक्राइब शेयर लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।